बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला में कंस्ट्रक्शन साइट पर लिफ्ट गिरी। लिफ्ट गिरने से 12 मजदूर घायल। घायलों को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल पहुंचाया गया। मजदूरों ने साइट पर की तोड़फोड़ और आरोप लगाया कि सेफ्टी उपकरण नहीं दिए जाते और कई बार होते हैं हादसे। दिल्ली के मनसा देवी रोड पर निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट से एक मटेरियल ऊपर ले जाने वाली लिफ्ट तार टूटने की वजह से काफी ऊपर से नीचे गिरी, जिसमें 12 मजदूर नीचे गिर गए। इनमें कई मजदूरों को काफी चोट आई है, जिनको पास के ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। एक मजदूर की हालत गंभीर है, उसे LNJP अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर भी विरोध जताया। मजदूरों का आरोप है कि किसी भी तरह के सेफ्टी के लिहाज से व्यवस्था नहीं होती, ना ही उन्हें सुरक्षा के उपकरण दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया हूं नरेला TDA, जहां पर सिरके कंपनी के द्वारा यहां फ्लैट बनाए जा रहे हैं और जो इस कंपनी के जो मालिक हैं वो आलेवालिया कंपनी की तरफ से काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो फ्लैट जो दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुमंजिला आसमान को छूते हुए यहाँ इमारतें बनी हुई हैं। और यहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, आज यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और आज ही नहीं, यहाँ तकरीबन हादसे होते रहते हैं। कुछ हादसे यहाँ छुप जाते हैं, कुछ हादसे जो सामने आ जाते हैं। जैसे कि आज जो यहाँ घटित हुआ है, यहाँ आज कुछ मजदूर, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कुछ मजदूर आज काम कर रहे थे, जो यहाँ पर रंग पेंट का जो काम करते हैं और जो लिफ्ट के द्वारा वो ऊपर तक जा, काफ़ी जो है हाइट तक जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पर दीवारों पर रंग पुताई करते हैं। तो आज उसी जगह जो है लिफ्ट टूट गई और उस पर 12 लोग सवार थे, और वो 12 लोग सवार थे, तो वहाँ से जब लिफ्ट टूट के नीचे गिरी है तो उनमें से सभी लोग घायल हो गए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वो लिफ्ट है जिसके अंदर मजदूर बैठकर अपना सामान रखकर रंग पुताई का सामान या कोई भी और सामान जो जिनको जिस तरह का काम करना होता है उसी तरह के काम का सामान वो इस लिफ्ट के अंदर रखकर, और ये बिजली के द्वारा संचालित है, और तब इसको जो है मोटर की आप देख रहे हैं, मोटर जो है यही जो लिफ्ट को ऊपर और नीचे लाने और ले जाने का काम करती है। और यही लिफ्ट आज एक लिफ्ट जो है आगे जाकर उसमें क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ ये जांच का केंद्र है। और यहाँ पर हर दूसरे या तीसरे दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। कारण ये है कि यहाँ पर पूर्ण तरह से कंपनी की तरफ से कोई सुरक्षित कार्य नहीं किए जा रहे हैं। आइए अब आपको मैं वो दिखाता हूँ जो लिफ्ट जो टूटी है, जहाँ पर वो 12 मजदूर काम कर रहे थे। अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर ये घटना घटी है। आप ये देख रहे हैं कि लिफ्ट ये है और एक लिफ्ट, मैं कहूँगा कैमरा मैन से जरा उस लिफ्ट को दिखाए, वो ऊपर आप देख सकते हैं वो लिफ्ट जो ऊपर बीच में ही लटकी हुई है और जिसका जो है तार टूटा बीच में, और तार टूटने के कारण से वो एक साइड जो है जाके गिरी और उससे जो मजदूर जो काम कर रहे थे वो सभी मजदूर नीचे आकर गिरे। आप मैं कहूँ कैमरा मैन से जरा आगे आए, यहाँ पर कुछ खून के धब्बे भी कुछ नजर आ रहे हैं, जो कैमरा मैन से जरा दिखाए, आप ये देख सकते हैं यहाँ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर वो जो मजदूर अपने साथ में कुछ खाना वगैरह लेकर आए थे, वो खाना वगैरह के जो पीपल है वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर उन मजदूरों के गिरने के बाद जो वो हालात हुए हैं, और ये मिस्त्री के द्वारा आप ये देख रहे हैं, ये उस मिस्त्री का जो मिस्त्री काम कर रहा था उसका ये औजार भी है यहाँ पर, और यहाँ कुछ चप्पल और जूते भी पड़े हुए हैं जो उन मजदूरों के हैं, और ये हेलमेट जो है उस मजदूर का जो ये ऊपर से जो नीचे गिरा है वो हेलमेट है, और ये देख सकते हो कुछ और सामान है, चप्पल जूते यहाँ पड़े हुए हैं, डब्बे यहाँ पड़े हुए हैं बोतल पानी के, जिससे वो अपनी प्यास बुझाते थे, जब कभी प्यास लगती उनको तो अपना पानी पीने के लिए अपने साथ में लेके जाते थे, ये वही बोतल है जिससे वो अपनी प्यास बुझाते थे। और मैं कहूँगा कैमरा मैन से जरा और यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाए कि ये देखिए, ये दूसरी वाली लिफ्ट है जो ये साथ में जो इसके साथ में जाती थी, लेकिन आज इस पर कोई काम नहीं होता, लेकिन जिस लिफ्ट का काम हो रहा था उस लिफ्ट का जो है आप देख सकते हैं वो ऊपर जो बिजली का बॉक्स है वो भी टूटा हुआ है, और वहाँ पर जो दूसरे लिफ्ट है वो दूसरी साइड में जाके अटक गई है। अब आगे हम चलते हैं उन लोगों से बात करते हैं जिनके परिवार के लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं। यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप लोग? कम से कम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आप तो
लीजिए कैसे क्या हुआ था ये सर? ये आपका कौन सा जिसमें काम है? मेरा भाई थे दोनों। अच्छा, दो भाई काम कर रहे थे जी जी। और बाकी लोग? बाकी और थे बेचारे, उनकी भी छोटा है अस्पताल में, वो भी गिरे हैं। कब किस टाइम घटना घटी थी? 8 बजे घटना। तो यहाँ जिस टाइम घटना घटी थी उसके बाद जो है कंपनी वालों ने आप लोगों को कुछ मदद की या नहीं की? कुछ मदद नहीं करी, कंपनी वाले सब भागे, गाड़ी भागे, कोई नहीं था कंपनी, कोई नहीं था। तो उनको फिर उसको कैसे लेकर? वही एक भैया भाई आया था, कार्ड ले गया, उसको उसमें करा। बाहर से कोई आया था? वो कौन थे ये मालूम नहीं, कौन थे, कंपनी थे, कहाँ थे, कभी थे, क्या हुआ था? इसमें हुआ कैराडर का जो ब्रेक था फेल हो गया था, दोनों दोनों ही फेल होने के बाद एक ब्रेक लग गई एक साइड नहीं लगी, उसी के कैराडर वो पलट चुकी है। इसमें कितने लोग घायल हुए टोटल? इसमें लगभग नहीं कितने भी नहीं, उतना गंभीर नहीं है, एक का गंभीर है, उसके लिए हम भी कहेंगे। एक आदमी गंभीर है, उसके अभी मुसाबाद नहीं आ रहा है, उसको अभी आधे घंटे में बताया जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे। कितनी उम्र थी आपके भाई? हमारे भाई है कम से कम इतने भी अभी भी 30 साल की उम्र है। यहाँ पे जितना स्टाफ था सुबह में उस टाइम में भाग चुका है, स्टाफ भी गार्ड भी, एक सिर्फ राजेंद्र शर्मा आया है जी 9 बजे, वो सब शांत करवाया है सुबह में। 9 लेके कौन गया? उनको लेके गया है हॉस्पिटल मनीष सर। वो कौन है, वो क्या करते हैं यहाँ पे? ये टेम्पीवर है मनीष सर हमारा। अच्छा, यहाँ पे जो तोड़फोड़ हुई है अंदर, वो तोड़फोड़ किसने की है? वो हमको उतना हल्का में थोड़ी पता लगे कौन तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम लोग तो लहास का अपना जितना चोट लगे उनको हम लेके जा रहे थे। फिलहाल नरेला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घायलों का इलाज जारी है। बहुमंजिला कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम करने वाले मजदूरों को भी सेफ्टी के उपकरण नहीं दिए जाते, यह अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। जरूरत है कि हर मजदूर को सेफ्टी उपकरण के बाद ही साइट पर काम करने में लगाया जाए। आपको यहाँ पर सुरक्षा उपकरण क्या क्या दिए जाते हैं? हेलमेट हो गया, जूते हो गए, ग्लव्स हो गए, और सबसे पहला बात, हम जब से आए हुए हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हेलमेट और एक वर्दी। कितने साल से काम कर रहे हैं? आज हमको 15 दिन हो गए, 15-20 दिन। हाँ, 15-20 दिन से जो हम देख रहे हैं पर स्टाफ सब इतना गड़बड़ी कर रहा है, न किसी के सेफ्टी में जूता मिल रहा है, स्टाफ खुद अपना उल्टा टोपी लगाता है तो लेबर क्यों नहीं लगाएगा? मतलब वो बता नहीं जाता उनको कि कैसे लगाना, कैसे सुरक्षा के बारे में कुछ जानबे नहीं करता है, ये सब जो दूसरे पब्लिक को बताएगा जी, खुद को नहीं पता, खुद उसको पता नहीं है सेफ्टी क्या है। तो ये कौन देता है आपको? सिर्फ ले लो, सरकारी सरकारी कहावत में है, सरकारी नहर का पानी, सरकारी हॉस्पिटल का दवा और सरकारी स्कूल का पढ़ाई, यही बराबर है। जिस तरह से घटना हुई, घटना के क्रम में कोई स्टाफ यहाँ पर नहीं पड़ा और जो भी आया देख करके वो भागने लगा, सुरक्षा किसी को बचाने के प्रबंध में नहीं आया, सिक्योरिटी भी, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भी था वो भी अपना भागने लगा और उसको बचाने का पक्ष में रहता तो उसको बचाता, किसी को न इसमें एक गाड़ी का प्रावधान है, न गाड़ी मिल रहा है, कोई समय में किसी समय में दुर्घटना हो सकता है उसके लिए गाड़ी होना चाहिए। इतना बड़ा बिल्डिंग जब कंपनी का चल रहा है तो उसमें तो गाड़ी और सब चीज़ का प्रावधान हर वक्त रहना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ का समस्या नहीं है। चलिए, अभी जैसा जो है यहाँ मजदूर जो काम करने वाले हैं वो बता रहे हैं कि जिस वक्त घटना घटी थी उस वक्त यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे और यहाँ जो कंपनी के आदमी थे सब भाग गए थे यहाँ से। यहाँ तक के जब ये काम करने के लिए कब आते हैं जब शुरू में, तो इनको जो है कह दिया जाता है कि सामने पड़ा हुआ है हेलमेट, आप उठाओ और पहन लो, वो सीधा पहना उल्टा पहना उनको खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि जो यहाँ उन्हें ये बताता है जो सुपरवाइजर है या कोई भी कंपनी का व्यक्ति है जो भी ये बताता है कि आपको वहाँ से हेलमेट या कोई भी सुरक्षा उपकरण लेना है तो उसको आप जो है क्या नाम आप ले लीजिए, या उसको कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना ये कोई बताने वाला उनको नहीं है। तो ये बड़ी विडम्बना है यहाँ पर, इतनी बड़ी कंपनी को चलाने वाले जो मालिक हैं या कंपनियाँ हैं वो ये नहीं जानती कि उनके यहाँ कितने मजदूर काम कर रहे हैं और जो मजदूर हैं वो बेचारे कैसे रह रहे हैं, वो कभी आके इस चीज़ को देखते भी नहीं है। यहाँ दशा और दुर्दशा यहाँ बहुत बुरी है और यहाँ जहाँ तक कहा जाए जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो बात करने से भी कतराते नजर आते हैं, और जहाँ तक सरकारी प्रशासन की अगर बात की तो कहीं ना कहीं सरकारी प्रशासन की भी यहाँ पर बहुत बड़ी चूक है जो यहाँ पर आकर कभी मजदूरों की शोध नहीं ली। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह।